हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या बेसिस में सिलेक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्टर का जो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स का रिलेटेड और इसका पावर टर्मिनल्स का रिलेटेड और इसकी सारे टर्मिनोलॉजी से और इसकी सारे स्पेसिफिकेशंस हमने इसकी पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इसका जो भी इसका कंट्रोल रिलेटेड इसका जो स्पेसिफिकेशंस है और इसका कंट्रोल सर्किट, इसका जो कंट्रोल सर्किट केबल का, इसका जो क्या लिमिटेशंस होते हैं और एसी में क्या डिसएडवांटेज है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले आपको पहले वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बेसिक एडवांटेज है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर का, वो ओवर एनी अदर स्विच गियर से कंपेयर करेगा तो भी कॉन्ट्रैक्टर का आप बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस आप करा सकते हैं, बहुत बार आप मेक एंड ब्रेक ऑपरेशंस करा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ और आप कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ आप रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन करा सकते हैं आप। अनलाइक MCBA, MCCBA, ACBA जैसे आपको मैनुअल में भी, इनकेस आप मैनुअल में भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख 2 लाख ऑपरेशन तक हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। और कॉन्ट्रैक्टर में इनबिल्ट नो वोल्ट प्रोटेक्शन रहते हैं। अगर अगर कॉन्ट्रैक्टर का इसी सेम पावर सप्लाई से अगर आप कंट्रोल सप्लाई डिलीवर किया तो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप इसको नो वोल्ट प्रोटेक्शन देगा, मतलब अंडर वोल्टेज या वोल्टेज डिप आया तो अपने आप कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉप करके हमको रीस्टार्ट को इनहिबिट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा ये बेसिकली हमारा एक स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर रहा था। और ये ओवरव्यू है फ्रेंड्स, मैं आपको इसका ऑपरेशन का बारे में हम पार्ट वन का इसका पहले वीडियो में समझाया था। अभी मैं आपको मतलब ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर में हमको एक फिक्स्ड मैग्नेट है और एक मूविंग मैग्नेट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में जैसे हमको एक फिक्स्ड मैग्नेट में इसका मिडिल रिंग में हमको एक कंट्रोल कॉइल रहते हैं और इस कॉइल का जो टर्मिनल से A1 और A2 है, इस कॉइल में आपको सप्लाई देने से इस फिक्स्ड मैग्नेट ये मैग्नेट बन जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जैसे ही इसको कंट्रोल कॉइल को हमने सप्लाई देने से एक मैग्नेट बन गया था ये, जैसे मैग्नेट बन गया है तो वो इसको अट्रैक्ट कर देगा और इसको खींच देगा फ्रेंड्स, इसको खींच देगा तो ये हमारा इसी का साथ इसी लेवल पे हमारा एक हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये हमको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का साथ टच हो जाएगा और कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, हमारा सर्क्यूट को थ्रो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे इसका अगर कंट्रोल कॉइल का सप्लाई हम छोड़ दिया और कंट्रोल कॉइल का सप्लाई हम बंद कर दिया तो इसका मैग्नेट बंद हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही सप्लाई चला गया है तो ये नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा, इसका स्प्रिंग का फोर्स की वजह से ये इसका ओरिजिनल पोजिशन में चला जाएगा और कॉन्टैक्ट भी ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कंट्रोल कॉइल को सप्लाई देने से या बंद करने से इस कॉन्टैक्ट का हम लोग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यही हमारा एक बहुत ही बेसिक स्विच की रेफरेंस इसका, तो ये इसका ऑपरेशन है। और आप देखेगा तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन चीज़ है, दो चीज़ें फ्रेंड्स, इसका जो मेन सर्क्यूट है या पावर सर्क्यूट बोल सकते हैं, इसमें जो हमारा ये हमारा इनपुट टर्मिनल्स है और ये हमारा आउटगोइंग टर्मिनल्स है। जब हमारा ये हमारा कंट्रोल सर्क्यूट है फ्रेंड्स, इस कंट्रोल सर्क्यूट में दो चीज़ रहते हैं, एक हमारा कंट्रोल कॉइल और दूसरा हमारा कंट्रोल टर्मिनल्स है। अगर आपको कंट्रोल कॉइल को सप्लाई देने के बाद इस कॉन्ट्रैक्टर का मेन सर्क्यूट थ्रो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप कंट्रोल कॉइल को सप्लाई आप बंद करेगा तो इस कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, हमारा मेन पावर सर्क्यूट को ब्रेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अगर आप सिर्फ इस वीडियो में हम कंट्रोल सर्क्यूट के बारे में ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था इस कंट्रोल सर्क्यूट में आपको दो चीज़ें फ्रेंड्स, एक हमारा कंट्रोल कॉइल है, इसका नोटेशन है A1 और A2 है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा एक कंट्रोल कॉइल है, एक कंट्रोल कॉइल क्या वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं उसकी बेसिस में हमारा इसका कंट्रोल सर्क्यूट का वोल्टेज डिपेंड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है तो आपका कंट्रोल सर्क्यूट वोल्टेज अवेलेबल क्या है, एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है, इसकी बेसिस में हमारा कंट्रोल कॉइल हमको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। कंट्रोल कॉइल को हमको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दिस वोल्टेज। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसका अगर इसका कंट्रोल सर्क्यूट आपके पास कंट्रोल वोल्टेज हमारा
हमारा डीसी वोल्टेज है तो ये हमारा डीसी कॉइल बनेगा, अगर एसी वोल्टेज है तो एसी कॉइल बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका कंट्रोल अगर इनकेस कंट्रोल कॉइल है हमारा एसी है तो फ्रेंड्स इनकेस एसी कंट्रोल कॉइल में इनकेस आप डीसी सप्लाई दे दिया, मतलब गलती से आप देखा नहीं है कंट्रोल कॉइल के ऊपर आपको क्लियरली दिखा जाता है अगर ये 110 वोल्ट है तो 110 वोल्ट डीसी बीडीसी ऐसे लिखा होता है फ्रेंड्स। अगर इसमें आप इनकेस 110 वोल्ट या 220 वोल्ट डीसी वाला कॉइल में इनकेस आप 230 वोल्ट एसी दे देगा तो फ्रेंड्स, ठीक है, अगर सॉरी उल्टा मैं बता रहा हूँ, अगर ये एसी का हमारा कॉन्टैक्ट रहे उसमें आप गलती से इनकेस आप डीसी दे देगा तो फ्रेंड्स ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कंट्रोल कॉइल जल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा एसी का जो कंट्रोल कॉइल में क्या होता है फ्रेंड्स, एसी में इन एडिशन टू रेसिस्टेंस हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस रहते हैं, इसकी वजह से हमारा इम्पीडेंस ज़्यादा रहते हैं हमारा एसी कॉइल में, सो इसका करंट कम रहते हैं फ्रेंड्स, इसका करंट बहुत कम रहते हैं। इनकेस उसी एसी कॉइल को आप डीसी दे देगा तो डीसी में सिर्फ रेसिस्टेंस रहते हैं, इसकी वजह से जैसे आप इसको डीसी दे देगा तो इसमें इसका नॉर्मल करंट से ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से इस कंट्रोल कॉइल जल भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए कभी भी आपको कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज देखकर ही इसको कनेक्शन करना चाहिए, आप इनकेस ये एसी कॉइल है तो आप इनकेस गलती से आप डीसी दे देगा तो उस कॉन्टैक्टर जल सकते हैं और इसका कॉइल डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स इसका कंट्रोल कॉइल का वोल्टेज क्या है और वो वोल्टेज देख कर ही आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर का जो लिमिट ऑपरेशन है फ्रेंड्स, बेसिकली हमको कॉन्टैक्टर है इसका कंट्रोल कॉइल को मतलब आप एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये कंट्रोल कॉइल इसको पिक कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा मैं आपको बताया था फ्रेंड्स यहाँ हमारा जैसे इसका कंट्रोल कॉइल में हमको सप्लाई मिला था ये मैग्नेट बना था, ये मैग्नेट बनने के बाद ये हमारा इसको खींच रहे हैं फ्रेंड्स अगेंस्ट हमारा स्प्रिंग फोर्स से, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो रहे हैं, यहाँ कंट्रोल कॉइल में हमको जो हमने करंट दे रहे हैं जो हमने वोल्टेज दे रहे हैं इसकी वजह से जो करंट आ रहे हैं उसकी करंट की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो हमारा यहाँ एनर्जी बन रहे हैं दैट इज इक्वल टू ऑफ एल आई स्क्वेयर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑफ एल आई स्क्वेयर है, इसमें जो करंट है मतलब जो हमारा कंट्रोल कॉइल में जो करंट जा रहे हैं उसकी बेसिस में ही ये हमारा मैग्नेट बन रहे हैं फ्रेंड्स। इनकेस अगर कंट्रोल कॉइल में करंट कम है, करंट कब कम हो सकते हैं, अगर कंट्रोल वोल्टेज कम है तो कंट्रोल कॉइल का करंट कम हो सकते हैं, अगर वो कम है तो एक पर्टिकुलर करंट पे इसका ऊपर ही ये इसका स्प्रिंग टेंशन का ऊपर ही रहते हैं, स्प्रिंग फोर्स का ऊपर रहते हैं, तभी ये इसको अगर ये फोर्स ज़्यादा है, अगर ये स्प्रिंग हमको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है इसीलिए ये इस पोजीशन पे फ्रेंड्स इनिशियल पोजीशन पे ये फ्री पोजीशन पे स्प्रिंग को जैसे आपको स्प्रिंग को ये दबाना है इस स्प्रिंग को अपोजिशन में करना है तब इसका क्या करना है इस मैग्नेट का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको इसका एक रेंज दिया गया है फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर रेंज में ही ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो सकते हैं, इसको ये खींच सकते हैं ये मूविंग मैग्नेट को, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमको एक पर्टिकुलर वोल्टेज में ही खींच सकते हैं फ्रेंड्स, सो वेदर एसी या डीसी है फ्रेंड्स कोई भी है इसको जो कॉन्टैक्ट रखा है इसका कॉइल का पिकअप वोल्टेज है फ्रेंड्स, इसको पिकअप वोल्टेज भी बोलते हैं या नहीं है तो इसका कौन सी वोल्टेज पे इसका कॉन्टैक्टर पिक हो रहे हैं या नहीं है तो इसका मेन सर्किट थ्रू हो रहे हैं, इसका जो मूविंग मैग्नेट को मूव कर रहा था और मेन सर्किट थ्रू आ रहा है उस वोल्टेज को पिकअप वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा इसका जो कॉइल का जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज दिया है उसका 85% वोल्टेज से लेकर 110% का रेंज में ही ये हमको क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इनकेस आप 80% या 70% वोल्टेज दे देगा तो बहुत बार अगर वोल्टेज कम भी है तो इसकी अक्रॉस वोल्टेज मिलते हैं लेकिन इसकी एनर्जी इतना नहीं है कि ये हमारा मूविंग मैग्नेट को खींच सकते हैं, हमारा मेन सर्किट को थ्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए इसका पिकअप वोल्टेज भी हमेशा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका 85% से लेकर 110% है, इसीलिए 85% से नीचे रहना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज, ठीक है। इसीलिए इसका पिकअप वोल्टेज है 85% से लेकर 110% है इररेस्पेक्टिव ऑफ एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई है।
नेक्स्ट टी गे, एक बार पिक हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ड्रॉप करने के लिए हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसको ड्रॉप करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर वोल्टेज से नीचे आना चाहिए फ्रेंड्स। इससे नीचे आएगा तो तब भी वो ड्रॉप हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये ड्रॉप है डिपेंड्स ऑन एसी और डीसी है फ्रेंड्स, ये अलग अलग है। इन केस ऑफ एसी है ये 75% से 20% रहते हैं फ्रेंड्स। इन केस ऑफ डीसी है ये थोड़ा ज़्यादा रेंज रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डीसी का जो स्ट्रेंथ है मैं इसका ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो इन केस ऑफ डीसी सप्लाई है ये हमारा कंटिन्यूस सप्लाई है डीसी सप्लाई, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो स्टेडी स्टेट फ्लक्स है। इसकी वजह से जो मैग्नेट बन रहा है यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल है, तो वो हमारा फिक्स है फ्रेंड्स, इसको हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स में ही रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको पकड़ के रखेगा। लेकिन इन केस ऑफ एसी सप्लाई है, ये हमारा एसी सप्लाई साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ये हर सेकंड में आपको 100 टाइम्स ये 0 पॉइंट पे फ्रेंड्स, जैसे जीरो होते हैं ऑफ एल स्क्वायर जीरो है, तो इसका मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ जीरो है, तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्प्रिंग का फोर्स की वजह से ये बैक चला जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका वोल्टेज फिर से बढ़ने लगते हैं और जब इसका ऑफ एल स्क्वायर फिर से होल्ड मतलब बनेगा इसका अगेनेस्ट इसका स्प्रिंग की वजह से, तब ये फिर से खींचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जीरो साइकिल में ये फिर से वापस जाएगा, फिर ये फिर से जैसा पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल बनते हैं फिर से अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं चैटरिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। ये चट 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 करता रहते हैं, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट देखेगा तो ये कॉन्टेक्स्ट को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक क्योंकि एसी का जो डिफॉल्ट इसका 0 पॉइंट की वजह से हर साइकिल में 100 टाइम्स पर 0 होने की वजह से, इसको अवॉइड करने के लिए हमको पहले वीडियो में भी बताया था, यहाँ एक स्लॉट दिया जाता है उसमें एक शेडिंग रिंग लगा देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताया था, ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट में एक स्लॉट बनाते हैं और इसमें हमारा एक शेडिंग रिंग लगा देते हैं फ्रेंड्स, एक प्योर रेसिस्टिव रिंग है इसमें। इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, अगर आप देखेगा तो इसका पहले वीडियो में भी आपको मैं क्लियरली समझाया था, जो हमारा इसमें जो हमारा कंट्रोल कॉइल में जो वोल्टेज दे रहा था, इसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो करंट अगर इसको यहाँ मार देगा तो इसको करंट को क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये करंट को इनफेज में, करंट जैसे होते हैं करंट के इनफेज में हमारा फ्लक्स जनरेट होते हैं, वो फ्लक्स का वजह से इस शेडिंग रिंग में ये फ्लक्स ही हमारा एसी कंडीशन में क्या होते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलते हैं, फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्रेंड्स। ये ईएमएफ है 90 डिग्रीज में रहते हैं फ्रेंड्स इसका फ्लक्स में, जब ये हमने ट्रांसफॉर्मर का वीडियो में भी क्लियरली समझाया था, तो ये 90 डिग्रीज में रहते हैं, सो ये हमारा शेडिंग रिंग रेसिस्टिव रिंग है, इसी वजह से इसका करंट भी इसका वोल्टेज के इनफेज रहते हैं। सो आप देखेगा तो इसका कंट्रोल कॉयल में जो हमारा मेन कंट्रोल कॉयल में जो करंट है इसका 90 डिग्रीज का लैगिंग में इसका शेडिंग रिंग का करंट रहता है फ्रेंड्स। आप इसको फ्लक्स में देखेगा तो ये फ्लक्स दोनों 90 डिग्रीज में रहते हैं, सो दैट हमको कभी भी इस हमारा मैग्नेट में फ्लक्स को जीरो नहीं करने देगा फ्रेंड्स। जैसे आपको 0 पॉइंट में देखेगा तो इस 0 पॉइंट में मेन कॉयल का फ्लक्स जीरो है, लेकिन हमारा जो शेडिंग रिंग में जो हमारा फ्लक्स है फ्रेंड्स मैक्सिमम रहते हैं, सो दैट हमको कभी भी 0 पॉइंट में, यहाँ नेगेटिव में भी देखेगा तो आप नेगेटिव में इस कंडीशन में इसका मैक्सिमम फ्लक्स है फ्रेंड्स। तो इसको कभी भी ये हमको क्या करते हैं, फ्लक्स को एक स्टेडी कांस्टेंट रखने के लिए ट्राई करेगा हर बार। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, ये भी राइजिंग एक कांस्टेंट जैसे ट्रेंड क्रिएट करेगा, सो दैट इसका फ्लक्स हमेशा रहता रहेगा, इसका मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा रहता रहेगा, और इसको ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट हमारा मूविंग मैग्नेट को पकड़ के ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंडायरेक्टली हम लोग डीसी का फ्लक्स जैसे एक स्टेडी स्टेट फ्लक्स एक स्टेडी स्टेट मैग्नेट जैसा बनाया था, सो दैट इसमें चार्टरिंग अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एसी फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली ये हमारा पिकअप और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है फ्रेंड्स। लेकिन आप एसी में देखेगा तो एसी में इसका फ्रीक्वेंसी दिया जाता है फ्रेंड्स, इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स 50 हर्ज है, आपको अदर देन 50 हर्ज आपको चलाना है इस कंट्रोल कॉइल को। इनकेस आप
कोई भी मतलब बाहर का जो यूएस का है, यूएस में तो आपको पता है 60 हर्ट्ज पे चलता है, 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट पे, अगर आपको उस पे चलाना है तो आपको क्या वोल्टेज रखना चाहिए फ्रेंड्स, वही हमको हमेशा आपको वी बाई एफ ए इसका रेशियो कांस्टेंट मेंटेन करना है फ्रेंड्स, सो दैट इसका हमारा मैग्नेटिक जो इसका इसका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अदरवाइज वो हमारा ज़्यादा करंट दे देगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमको वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखना चाहिए। तो आपको कोई और फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, लाइक मैं आपको बताया था इन केस ऑफ 60 हर्ट्ज पे चलाना है बाहर, आपको कौन सी कंट्रोल वोल्टेज देना चाहिए वो हमको यहाँ बता देगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमको यू बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट मेंटेन करना है, सो कोई भी फ्रीक्वेंसी में यू एफ बाई यू 50 है, 50 हर्ट्ज में जो वोल्टेज है इक्वल टू जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी पे हम दे रहा था बाई 50 है फ्रेंड्स, सो हमको आएगा कोई भी फ्रीक्वेंसी इन केस हमको 60 हर्ट्ज पे करना है तो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, ये हमको आ जाएगा अगर 50 हर्ट्ज में 230 वोल्ट है, 230 × 60/50 बनेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है। इन केस हमने अगर फॉरेन है हमारा यूएस में हमको करना है, तब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, 230 × 60/50 होगा फ्रेंड्स, वो वोल्टेज होगा हमारा अराउंड 270 का आसपास बनेगा फ्रेंड्स। मतलब हमको कंट्रोल ऐसा कंट्रोल ट्रांसफार्मर को हमको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए इसको वही वोल्टेज हमको देना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, सो दैट वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट मेंटेन करना चाहिए। अगर हमको ऐसे ही वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमको वोल्टेज को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है, तो वी बाई एफ रेशियो सच दैट मेंटेन कांस्टेंट रखना है फ्रेंड्स, ये इसका गोल है। अगर इसीलिए आपको कभी भी एसी कॉन्ट्रैक्टर को आप यूज़ करना है तो इसका फ्रीक्वेंसी जरूर देखना है फ्रेंड्स, वो इट्स हैज टू मैच विथ आवर सप्लाई फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, इसका जो कंट्रोल का सप्लाई देते हैं इसका उस सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मैच होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसेसरीज का इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स हमारा कॉइल का, हमारा पिकअप वी ए और होल्ड ऑन वी ए फ्रेंड्स। पिकअप वी ए इज नथिंग बट हमारा फ्रेंड्स जो हमने पिक करते हैं फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टर को जब पिक करते हैं, जब हमारा करंट आता है पिकअप करंट है इनटू हमारा रेटेड कॉइल वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है, रेटेड कॉइल वोल्टेज है इसका, कॉइल का जो रेटेड वोल्टेज है वो बोलते हैं पिकअप वी ए। ऐसा होल्ड ऑन वी ए क्या होता है फ्रेंड्स, होल्ड ऑन करंट इंटू रेटेड कॉयल वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। पहले पिकअप करंट और होल्ड ऑन करंट क्या होते हैं फ्रेंड्स वो देख लेंगे, ठीक है। पहले पिकअप करंट के लिए आप यहाँ पहले जैसे ही यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पिकअप करंट इज नथिंग बट यहाँ हमको इनिशियली कॉन्टैक्ट रेफरेंस इसी पोजीशन पे ओपन कंडीशन पे, तब आपको कॉइल को सप्लाई दिया था, ये कॉइल में वोल्टेज गया था, वोल्टेज जाने की वजह से करंट क्रिएट हुआ, करंट की वजह से जिसमें फ्लक्स क्रिएट हुआ, फ्लक्स की वजह से ये मैग्नेट बना था, ये मैग्नेट बनने के बाद इसको खींचा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इनिशियली ये पिक करने के लिए इसका जो करंट ले रहे हैं फ्रेंड्स उसको बोलते हैं पिकअप करंट बोलते हैं फ्रेंड्स, ये इनिशियली इसका मूवमेंट करने के लिए। वो क्यों अलग है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, इस अगर इसको देखेगा तो इनिशियली क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, इसमें हमारा एयर गैप है फ्रेंड्स इनिशियली, ठीक है, यहाँ हमको इनिशियली एयर गैप है। जैसे इसमें एयर गैप है तो क्या होता है फ्रेंड्स, इनिशियली आपको इसमें फ्लक्स कम रहते हैं, आपको पता है एयर एयर गैप का रिलेक्टेंस बहुत ही रिलेक्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स जाता ही नहीं, इसका परमेबिलिटी बहुत ही कम रहता है, तो इसीलिए फ्लक्स से इसमें जाता ही नहीं है फ्रेंड्स इनिशियली। तो अगर फ्लक्स कम है तो हमारा इंडक्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, कमी होगा, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, एन फाई पे आई है, तो हमारा फ्लक्स कम होने की वजह से हमारा इंडक्टेंस बहुत कम है फ्रेंड्स। इंडक्टेंस कम होने की वजह से ये ऑलमोस्ट एक प्योर रेसिस्टिव नेटवर्क जैसे बिहेव करेगा, मतलब आपको पहले बताया था मैं आपको, अगर इसको ये एसी का कॉइल है तो अगर आप डीसी दे देगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा फ्रेंड्स, तो एक इंडस करंट जैसे देगा फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा करंट देगा ये, क्योंकि इसका इंडक्टिव इंडक्टेंस कम है। इंडक्टेंस क्यों कम है, इसका एयर गैप की वजह से फ्लक्स कम है, इसकी वजह से इंडक्टेंस कम है, इसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, इसकी वजह से इसका जो टोटल इंपीडेंस है इनिशियली जब इसको इनिशियली चार्ज करते हैं तब कम है फ्रेंड्स। जैसे ये चार्ज हो गया ना, इसको ये कम इंपीडेंस की वजह से करंट ज़्यादा खींचेगा, उस करंट को हम बोलते हैं पिकअप करंट। एक बार ये पिकअप करंट गया, ज़्यादा करंट की वजह से एक करंट गया था, जैसे करंट गया तो फ्लक्स आया था, जैसे ये इसको मूव करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो एयर गैप कम हो जाएगा फ्रेंड, जैसे कम हो गया तो इसमें फ्लक्स बहुत ज़्यादा जाएगा और इसका इंडक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा, सो
इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, सो नेट पॉजिटिव नेट जो इम्पिडेंस है वो बढ़ेगा, इसकी वजह से करंट कम होगा फिर। इसीलिए आप अगर कॉन्टैक्टर का कॉइल में एक छोटी सी अमीटर लगाएगा तो आपको इनिशियली जो पिक होने के टाइम पे ज़्यादा दिखेगा करंट, इसके बाद तुरंत जैसे कॉन्टैक्टर इसका कॉन्टैक्ट मेक हो गया तो इसका करंट आपको कम दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था जो इनिशियली जो कॉन्टैक्टर जो करंट लेते हैं इसको पिकअप करंट बोलते हैं। एक बार ये कॉन्टैक्टर पिक होने के बाद, मतलब ये कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्ट बनने के बाद जो इसका करंट है इसको होल्ड करने के लिए, मतलब इस मैग्नेट इसको पकड़ के रखने के लिए जो ऑफ एल ए स्क्वेयर है जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसको पकड़ के रखने के लिए, सो दैट ये स्प्रिंग से वापस नहीं जाएगा उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए, जो हमको मिनिमम करंट जो चाहिए ऑफ एल ए स्क्वेयर में जो मिनिमम करंट है आई है उसको बोलते हैं हमको होल्डिंग करंट है फ्रेंड्स, होल्ड ऑन करंट बोलते हैं इसको। तो यही हमको बता रहा था। तो हमारा ये सो पिकअप करंट और होल्डन करंट समझ में आ गया फ्रेंड्स हमको। तो इसीलिए हमको पिकअप वी ए इज नथिंग बट जो पिकअप करंट इनटू रेटेड कॉइल वोल्टेज है, वो तो चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स हमारा कॉइल वोल्टेज। तो रेटेड कॉइल वोल्टेज इनटू हमारा जो पिकअप करंट है इनिशियल करंट वो मल्टीप्लाई करेगा तो जो हमको आता है वो पिकअप वी ए आता है फ्रेंड्स। ऐसा होल्ड ऑन वी ए के लिए होल्ड ऑन करंट है, एक बार पिक हो गए थे इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को कंटिन्यूसली इसको होल्ड करके रखने के लिए या कंटिन्यूसली इसको जो इसका जो फिक्स्ड मैग्नेट है मूविंग मैग्नेट को पकड़ के रखने के लिए जो हमको करंट चाहिए उसको बोलते हैं होल्ड ऑन करंट इंटू इसका रेटेड वोल्टेज है फिक्स्ड है उसको वो बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा होल्ड ऑन वी ए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल दे देंगे फ्रेंड्स, हमारा एक पावर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 400 एम्पियर का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसका 400 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर है, इसका पिकअप वी ए 2100 है और होल्ड ऑन वी ए 95 है और इसका कॉइल का कंट्रोल वोल्टेज है 110 वोल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका पिकअप करंट चाहिए तो क्या है फ्रेंड्स, हमको पिकअप वी ए पता है और कंट्रोल वोल्टेज पता है, तो आपको पिकअप वी ए में कंट्रोल वोल्टेज आप करेगा तो आपको फ्रेंड्स 19.09 एम्पियर है वो इसका कंट्रोल कॉइल दे रहा है फ्रेंड्स। ये 400 एम्पियर बोल रहा था इसका पावर कॉन्टैक्ट का जो कॉइल इसका करंट है, लेकिन इसका कंट्रोल कॉइल है इनिशियली जब इसको कंट्रोल सप्लाई देगा इसका कॉइल को सप्लाई देगा तब इमीडिएटली इनिशियली ये देगा फ्रेंड्स 19.09 एम्पियर देगा। ये भी एक इंटरेस्ट जैसे ही है ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ इसका या ड्यू टू ऑप्शंस यार ड्यू टू हेवी इंडक्टिव मतलब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होने की वजह से वो ये इंटरेस्ट करंट लेगा फ्रेंड्स। जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्टर पिक हो गया तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, एयर गैप कम हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा, इसकी वजह से हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, सो इंपेडेंस बढ़ेगा, सो हमारा करंट कम होगा फ्रेंड्स। यही करंट हमारा होल्ड ऑन करंट है, होल्ड ऑन करंट इज इक्वल टू हमारा होल्ड ऑन वी ए ये डिवाइडेड बाई कॉइल वोल्टेज है फ्रेंड्स बाई 110 में, ये हमारा आ रहा है 0.686 एम्पियर। तो आप देखेगा तो फ्रेंड्स जैसे कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कॉइल को आप इनिशियली वोल्टेज दे देगा तो इनिशियली एक सर्ज करंट जैसे इंडस करंट जैसे एक 19.09 एम्पियर है वो लेगा, इसके बाद ये इंडस करंट जैसे देगा एक बार कॉन्टैक्टर पिक होने के बाद ये तुरंत 0.86 एम्पियर आएगा फ्रेंड्स और 0.86 एम्पियर पे ही ये चलेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। इसको एक एक तरफ से आप बोलते हैं इंडस करंट भी बोल सकते हैं कॉन्टैक्टर में फ्रेंड्स। तो आप हमेशा देख लीजिए पिकअप वी ए हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स होल्ड ऑन वी ए से, ठीक है। आपको मतलब मोर देन 15-20 टाइम्स ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स पिकअप वी ए होल्ड ऑन वी ए से। तो ये आपको ये दिया था फ्रेंड्स, ये आप कॉन्ट्रैक्टर का इस पर्टिकुलर मॉडल है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर का वो पर्टिकुलर मॉडल में जाकर वो मॉडल का इसका देख रेख से आपको क्लियरली दे देगा फ्रेंड्स इसका पिकअप भी है होल्ड ऑन भी है और कॉइल वोल्टेज तो इसका कॉइल पे ही दिखा रख जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमको कॉइल पे हमको कॉइल वोल्टेज तो मिल जाएगा लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने पिकअप और होल्ड ऑन भी है तो इसका ऊपर नहीं लिखते हैं, अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसका जो सीरियल नंबर से आप इसको देखेगा तो आपको इसका पिकअप और होल्ड ऑन भी है उस पर्टिकुलर कॉइल का हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इससे हमको ये कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग में कितना करंट देगा इंडस करंट इसी को बोलते हैं पिकअप करंट और वो एक बार स्टार्ट होने के बाद एक कितना करंट देते हैं वो भी हमको क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रॉम डेटा शीट।
नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इसका कंट्रोल कॉइल के बारे में हो गया है। कंट्रोल कॉइल के बारे में तो इसका कंट्रोल कॉइल का जो सप्लाई वोल्टेज है एसी है डीसी है वो भी फिक्स कर दिया हमने। क्या वोल्टेज रखना चाहिए, कंट्रोल वोल्टेज 110 वोल्ट है 220 वोल्ट है एसी है डीसी है वो हमको फिक्स हो गया। इसके बाद हमारा कंट्रोल कॉइल का पिकअप करंट है और होल्डिंग करंट समझ गए हमने। इसके बाद हमने कंट्रोल कॉइल का पिकअप वी ए और होल्डिंग वी ए भी समझ गए हमको, क्योंकि पिकअप भी है होल्डिंग भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका कंट्रोल सप्लाई का जो इसका ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए है या नहीं है, तो इसका कंट्रोल सप्लाई का जो फ्यूज़ है या इसका जो एमसीबी रेटिंग इसको जो इसको आइसोलेट करने के लिए रखना है उसको कितना रखना है वो सब पता करने के लिए पिकअप और होल्डिंग भी है, और पिकअप एंड होल्डिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो ये सारे रिलेटेड टू हमारा कॉइल का रिलेटेड है फ्रेंड्स। अभी हमने करंट का इसका कॉन्टैक्ट का रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स देखेगा तो आपको एनओ या एनसी नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स आपको दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये बेसिकली हमारा कॉन्टैक्ट डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में, मतलब ये पिक नहीं है तब इसका पोजिशन बताते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये पिक है तो ये टॉगल होता है इसका। ठीक है, हमारा इसमें दो प्रकार का हमारा कैटेगरी डिफाइन किया फ्रेंड्स। एक हमारा AC1 है वो नॉन मतलब रेसिस्टिव लोड के लिए यार, नॉन इंडक्टिव लोड के लिए मतलब नॉन इंडक्टिव यार मतलब प्योर रेसिस्टिव और स्लाइटली इंडक्टिव लोड्स के लिए ये हमारा ए यूटिलाइजेशन कैटेगरी है फ्रेंड्स। इसकी अप्लीकेशन हमको इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे लोड हमारा इंडिकेशन लैम्प्स है। ठीक है, इंडिकेशन लैम्प्स में AC1 होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स AC15 है फ्रेंड्स, ये हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कोई भी सर्क्यूट है इंटरलॉकिंग में आपको फाइनली जाकर एक कॉन्टैक्टर को एक रिले को या नहीं है तो एक टाइमर को पिक करना है, उसमें भी आपको एक इंडस करंट देगा फ्रेंड्स। लेकिन इस केस में हमको आपको इंडस करंट नहीं देगा, इसीलिए एक अलग यूटिलाइजेशन कैटेगरी है AC15 है फ्रेंड्स। इसी को ही आप इंटरलॉकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप AC1 को AC15 में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्टैक्ट आपको जल सकते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट जो दिया था इसका यूटिलाइजेशन कैटेगरी इसकी हिसाब से ही इसको सर्क्यूट में यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, कभी भी AC1 ने जो नॉन इंडक्टिव वाले को आपको इंटरलॉकिंग में यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरलॉकिंग में भी वो हमको कोई कॉन्टैक्टर कंट्रोल कॉन्टैक्टर पिक करेगा, वो कंट्रोल कॉन्टैक्टर भी एक इंडस करंट या पिकअप करंट देगा, उसके लिए सफिशियंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए उस कंडीशन में आपको AC15 लेना चाहिए, आपको कंट्रोल कॉन्टैक्ट ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सर्ज सप्रेसर कॉन्टैक्टर में, इसका कॉइल के अक्रॉस हम लोग बहुत बार देखा होगा एक डिवाइस दिखते हैं हमको, इसको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस या वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। वो क्यों जरूरत है अभी हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। आपको पता है अगर अगर ये कॉन्टैक्टर है कोई भी कॉन्टैक्टर हमारा सर्क्यूट में, ये स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, जैसे इसका सर्क्यूट थ्रू हो गया तो इनिशियली इंडस करंट ले रहे हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारा करंट कम में होल्डिंग करंट ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका सर्क्यूट को आप ओपन कर दिया तो फ्रेंड्स करंट जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो तो हो नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कॉइल है ये हमारा कंट्रोल कॉइल है, ये हमारा इंडक्टिव कॉइल है। कॉइल मतलब इंडक्टेंस है इसका, इसमें इंडक्टेंस का वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, ये इंडक्टेंस है इसको करंट को आपको पता ही इंडक्टेंस तुरंत करंट चेंज को अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये करंट तो जीरो नहीं कर सकते लेकिन ये ओपन हो गया है, तो ये क्या करते हैं इंडक्टेंस, ये इसका जो करंट ओपन होने का रीज़न क्या है, ये स्विच ओपन करना है या नहीं है तो ये सर्क्यूट ब्रेक करना है। ये क्या करते हैं इसको रेजिस्टर की वजह से इसको इस एक्शन को अपोजिट करते हैं, क्या करते हैं इसमें इतना हाई वोल्टेज जनरेट कर देते हैं EL×di/dt, जो आपको करंट जो चेंज है कितना ज़्यादा किया था उतना वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, आप कितना करंट को ब्रेक किया था उतना ज़्यादा आपको ये वोल्टेज जनरेट होगा, सो दैट इसको आयनाइज करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेगा तो ये वोल्टेज स्पाइक है 8 to 10 times ऑफ इसका जो कॉइल का रेटेड वोल्टेज रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऐसे कॉइल्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग कोई न्यूमेरिकल रिले या कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये 2 kV का वोल्टेज अगर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में गया तो वो फेल हो सकते हैं, इसका कार्ड्स फेल हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली फेल हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस कॉइल का अक्रॉस एक ऐसा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे सो दैट कभी भी ये कॉन्टैक्टर को ब्रेक करेगा तो इसका वजह से जो वोल्टेज स्पाइक आया था इसको ये सप्रेस करेगा फ्रेंड्स, इसको सर्ज सप्रेसर बोलते हैं। इसीलिए
तो कभी भी नॉर्मल वोल्टेज पे हमेशा ओपन ही रहते हैं, वो ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी इसका वोल्टेज इनके स्पाइक आया है, मतलब कभी भी ये वो ओपन करने की वजह से जो स्पाइक आ रहे हैं इसकी वजह से जो ये सप्रेस कर देते हैं, सो दैट ये हाई वोल्टेज है हमारा बाकी सर्किट में जो इस कंट्रोल सर्किट में जो जितना भी बाकी सर्किट कनेक्टेड है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सो दैट हमारा कोई भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें जो लगा हुआ था वो हमको प्रोटेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब बहुत बार देखा होगा फ्रेंड्स, इन केस आपको कहीं पे भी हर हर कॉन्टैक्टर में आपको जहाँ आपको न्यूमेरिकल रिलेस लगा होते हैं जिसमें इंटरपोजिंग रिलेस यूज कर सकते हैं करते हैं डीएस और टीओएस दोनों में, उसमें आप देखेगा तो हर कॉन्टैक्टर का पैरेलल में एक आपको डिवाइस दिखने लग गया था, एक डायोड जैसा, उसको ही बोलते हैं हमने सर्ज सप्रेशन डिवाइस है, क्योंकि अगर वो है ही नहीं है तो आप अगर वो है ही नहीं है तब आप इस कॉन्टैक्टर को ब्रेक कर रहे हैं तो आप दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स हमारा रिले बूट हो जाते हैं, हमारा रिले बंद होकर ऑन हो जाते हैं इस कंडीशन में, या नहीं है तो हमारा रिले एक बार बंद होकर दोबारा ऑन ही नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारा कंट्रोल कार्ड कोई फेल हुआ होगा। ठीक है, तो हमको इतना छोटी डिवाइस की वजह से हम लोग हमारा इतना छोटी डिवाइस नहीं लगाने की वजह से वोल्टेज सप्रेस नहीं करने की वजह से हमारा 2 लाख 3 लाख का हमारा रिले को खराब कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए हमको सर्ज सप्रेसर है ये हमारा बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जहाँ हमने सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या न्यूमेरिकल रिले या डिजिटल रिले हमने इसी कंट्रोल सर्किट में यूज़ कर रहे हैं और इसी कॉन्टैक्टर्स का उसी वो कॉन्टैक्टर्स भी उसी सर्किट में है तो हमको इसको लगाना मैंडेटरी है फिर जरूरी है। ठीक है, तो हमको सेलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट रेफरेंस, इसका पहले वीडियो में हमने इसका पावर का सारे डिटेल्स हमने पता किया फ्रेंड्स, हमने सारे वोल्टेज का रेटिंग से करंट का रेटिंग से सारे के बारे में डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने इसका कंट्रोल सर्किट का रिलेटेड सारे डिस्कस किया था, अभी हमने इस पॉइंट पे आ गया हमको कॉन्टैक्टर एक सेलेक्ट करना है तो हमको क्या क्या देखना चाहिए वो हमको पता चल गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको यूटिलाइजेशन कैटेगरी है फ्रेंड्स, अगर हमको ये कौन सी लोड में यूज़ करना है इस कॉन्टैक्टर को, ये कॉन्टैक्टर है कौन सी स्विचिंग ऑपरेशन के लिए यूज करना है, क्या इंडक्शन मोटर को स्विच करना है, लाइटिंग लोड को स्विच करना है, या नहीं है तो कोई कैपेसिटर को स्विच करना है, क्या है हमको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका पहले वीडियो में मैं आपको यूटिलाइजेशन कैटेगरी के बारे में एसी और डीसी सर्किट्स दोनों में इन डिटेल हमने डिस्कस किया था, उसमें इन केस आपको रेसिस्टिव लोड को फीड करना है तब हमको AC1 लेना है, अगर आपको स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को फीड करना है AC2 लेना है, अगर आपको इंडक्शन मोटर को फीड करना है लेकिन आपको ब्रेकिंग करंट है रनिंग में ही ब्रेक कर सकते हैं तब आप AC3 लेना है, अगर आपको इंडक्शन मोटर है मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है लेकिन स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन में भी इसको ब्रेक करना है तो आपको AC4 लेना है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम इन डिटेल बताए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा डीसी का भी कैटेगरी यूटिलाइजेशन कैटेगरी डिस्कस किया था। ठीक है, सो हमारा जो एप्लीकेशन है हमारा लोड बेस क्या है, ये कॉन्टैक्टर किसको स्विचिंग करना है उसकी बेसिस से हमको यूटिलाइजेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैटेगरी सेलेक्ट करने की वजह से इसका लाइफ भी बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल का लाइफ, इसके बारे में भी हमने इसका पहले वीडियो में क्लियरली हमने बताया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग हमेशा जो इसका नॉर्मल मैक्सिमम करंट है इसका यूटिलाइजेशन कैटेगरी का जो हमने यूटिलाइजेशन कैटेगरी दिया था इसका नॉर्मल मैक्सिमम फुल लोड करंट है उससे उतना होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा, लेकिन ये करंट रेटिंग इससे ज़्यादा होना चाहिए सो दैट इसका कॉन्ट्रैक्टर का इलेक्ट्रिकल लाइफ बढ़ेगा, वो भी हमने पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स, इसीलिए हमको हमेशा आप ऐसे चूज़ कर दीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर का करंट रेटिंग है हमारा फुल लोड करंट से भी ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है हमारा कॉन्टैक्टर है हमेशा ओवर लोड के लिए ब्रेक करना है फ्रेंड्स, और अगर मोटर लोड है तो इसको जाम प्रोटेक्शन के लिए ब्रेक करना है, स्टाल प्रोटेक्शन के लिए ब्रेक करना है, और अंडर वोल्टेज में जो ओवर लोड करंट आते हैं उसको ब्रेक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन कभी भी ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट्स को ब्रेक करने के लिए हमारा कॉन्टैक्टर डिजाइन नहीं होते हैं फ्रेंड्स, इसका हम पहले वीडियो में भी क्लियरली बताया था, तो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी पता होना भी जरूरी है फ्रेंड्स, डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन कैटेगरी है इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी भी चेंज होता है वो भी डिसाइड करना, मतलब कौन सी हमको ब्रेक करना है क्या कैपेसिटी हमको होना चाहिए वो पता करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा मेकिंग कैपेसिटी, ये भी हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी बेसिस है फ्रेंड्स, यूटिलाइजेशन कैटेगरी से हमका कॉन्ट्रैक्टर में बहुत ही सारे
चीज इंटरलिंक रेफरेंस। सो हमको यूटिलाइजेशन कैटेगरी का बेसिस में हमारा मेकिंग कैपेसिटी भी चेंज होता है, ये कौन सी लोड को करना है उसके हिसाब से। अगर प्योर रेसिस्टिव लोड है तो हमको रेटेड करंट ले सकते हैं, अगर स्क्विरल केज मोटर है तो हमको 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ले सकते हैं, अगर सॉरी स्लिप रिंग मोटर है तो अगर स्क्विरल केज है तो 6 टाइम्स लेना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, मतलब डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन कैटेगरी हमको मेकिंग कैपेसिटी भी हमारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है फ्रेंड्स, हम कॉन्ट्रैक्टर को कितना बार ऑपरेशन करना है ये भी हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी का बेसिस में ही चेंज होता है फ्रेंड्स। हम लोग अगर आप AC 4 का लिए फ्रेंड्स कैटेगरी, आप अगर आप AC 3 में यूज़ कर रहे हैं तो इसका ऑपरेशन और बढ़ेगा, इसका लाइफ और बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन के कैटेगरी के हिसाब से ये ऑपरेशन भी डिपेंड होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल कॉइल का वोल्टेज है वो क्या AC सेलेक्ट करना है, DC सेलेक्ट करना है, जो हमारा एग्जिस्टिंग का कंट्रोल वोल्टेज क्या है, AC है DC है, इसके बेसिस पे हमको कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल वोल्टेज सेट करना है और वो वोल्टेज का रेटिंग क्या है वो भी हमको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमको कितना चाहिए, कितना NO चाहिए, कितना NC चाहिए, हमको कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ डिफॉल्ट देते हैं अगर उससे काम हो जाएगा क्या, उससे भी ज़्यादा हमको कॉन्टैक्ट चाहिए तो हमको कितना कॉन्टैक्ट चाहिए उसकी बेसिस से हमको एड ऑन ब्लॉक्स का भी रिक्वायरमेंट हमको बताना पड़ता है फ्रेंड्स। कितना कॉन्टैक्ट चाहिए बेसिकली उसकी बेसिस में हमको एड ऑन ब्लॉक को लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, इससे हमको कॉन्टैक्ट और बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल कॉइल का इसका VA कंजम्पशन है फ्रेंड्स, इसका जो VA कंजम्पशन है वो हमको भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको कंट्रोल कॉइल का अगर VA कंजम्पशन बहुत ही कम है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे है फ्रेंड्स। जो हमको कंट्रोल कॉइल का वोल्ट है VA कंजम्पशन कम है तो वो सेलेक्ट करना अच्छे है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाएगा, इसका कॉस्ट कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको सबसे कम वाला VA कंजम्पशन का कॉइल जो मिलेगा वो लेना बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या, ये पावर कॉन्टैक्टर है, कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, हमने कोई कंट्रोल सर्किट में इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये तो मेन पावर कॉन्टैक्टर है, हमको पावर को हमारा मोटर कैपेसिटर लाइटिंग ऐसे स्विचिंग करना है इसको, वो बेसिस में भी हमको इसको सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब हमारा सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्टर के बारे में फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स से फ्रेंड्स, ठीक है। हमको इस यूटिलाइजेशन कैटेगरी वो सब देखने के बाद हमको समझ में आ गया फ्रेंड्स, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के, जैसा पावर कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हम लोग स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं हमारा पावर सर्किट के लिए, जैसे कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर स्विचिंग के लिए, मोटर स्विचिंग के लिए, लाइटिंग स्विचिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, फर्नेसेस के लिए, जो हम स्विचिंग के लिए ओरिजिनल पावर का इसको बोलते हैं पावर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। इसका जो टर्मिनल से इसका जो मूविंग और फिक्स्ड टर्मिनल से बहुत ही बड़ा बड़ा रहते हैं फ्रेंड्स, और बहुत इसका करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसी को हमने पावर कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। और दूसरा हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर्स का रेटिंग बहुत ही कम रहता है, इसका जो कॉन्टैक्ट है उसका रेटिंग है हमको 5 एम्पियर या लेस देन 10 एम्पियर से ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स, उसको आप कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। उसको हम इंटरलॉकिंग में हमारा कंट्रोल सर्किट में जितना भी हमारा लॉजिक्स डेवलप करने के लिए वो सब में हम यूज़ कर सकते हैं, और इंटरपोजिंग वे में भी यूज़ कर सकते हैं, और हमको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को। और दूसरा हमारा कैपेसिटी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस, कैपेसिटी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस, क्योंकि आप यहाँ आप देखे जाए तो फ्रेंड्स आपको कभी भी आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को कैपेसिटर को स्विच करना है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, कभी भी आपको कैपेसिटर को डायरेक्टली चालू कर दिया तो वो कैपेसिटर इंडस करंट लेगा, बहुत ही ज़्यादा इंडस करंट लेगा, उसीलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्टर का मेकिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा, ये अराउंड मतलब हमको 12 से लेकर 18 टाइम्स ज़्यादा करंट ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स, इसका स्टार्टिंग का है मतलब रेटेड करंट से। इसीलिए हमको कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर में क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे डबल कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होते हैं, सबसे पहले क्या होता है इसका कॉन्टैक्ट का है ना, इसका गैप कम रहता है, इसी वजह से सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट बनते हैं, इसमें हमारा रेसिस्टेंस का साथ हमारा कैपेसिटर सीरीज में आता है, सो दैट हमारा इनिशियल करंट है बहुत ही कम रहेगा, और जैसे जैसे मतलब 200 मिली सेकेंड या 250 मिली सेकेंड के बाद ये कॉन्टैक्ट बनेगा, पहले ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, इसके बाद ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करने से हमको क्या हो रहा है, इनिशियली आपको सॉरी फ्रेंड्स,
इनिशियली आपको जैसे आपको कैपेसिटर को ऑन कर रहे हैं तब आपको रेसिस्टेंस लाइन में आ रहे हैं और कैपेसिटर स्टार्टिंग इंडस करंट को लिमिट कर रहे हैं, और जैसे कैपेसिटर वोल्टेज बिल्ड कर रहे हैं 200-250 मिली सेकंड का बाद ये कॉन्टेक्ट हमारा मेन में लाइन में आ जाएगा, फिर इसके बाद ये कॉन्टेक्ट हमारा लाइन से बाहर हो जाएगा और हमारा इसी से हमारा कैपेसिटर चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ कॉन्टेक्ट देख रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स इस कॉइल के अंदर से हम लोग पहले हमको कॉन्टेक्ट को दे रहा था रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके बाद हमारा मेन पावर सर्किट हमारा लाइन में आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे हमको एसी कॉन्टेक्ट फ्रेंड्स, एसी कॉन्टेक्ट भी हमारा कंट्रोल वोल्टेज के बेसिस में यार हमारा इसका मतलब हमारा पावर का बेसिस में आप अगर देखेगा तो कंट्रोल का बेसिस में अगर है तो एसी कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसका हमारा लोड अगर वो एसी लोड्स को काट रहा था, हमारा एसी लोड्स को स्विचिंग कर रहा है, एसी लोड्स को मेक या ब्रेक कर रहे हैं, जिस लोड को ब्रेक या मेक कर रहे हैं उसको उस बेसिस में हमको बोलते हैं फ्रेंड्स एसी कॉन्टेक्ट। अगर वो डीसी लोड्स को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको डीसी कॉन्टैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये कंट्रोल कॉन्टैक्ट रहे तो इसका कंट्रोल कॉइल का वोल्टेज के बेसिस में इसको बताते हैं फ्रेंड्स। अगर इसका कंट्रोल कॉइल का वोल्टेज है एसी सप्लाई है तो इसको एसी कॉन्टैक्टर बोलते हैं, अगर इसका कंट्रोल का सप्लाई डीसी है तो इसको डीसी कॉन्टैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। डिपेंड्स ऑन ये पावर कॉन्टैक्टर है कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, ये एसी और डीसी कॉन्टैक्टर का मीनिंग चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैक्यूम कॉन्टैक्ट रेफरेंस, वैक्यूम कॉन्टैक्ट रेफरेंस इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, जहां हमारा कॉन्टैक्ट है पावर कॉन्टैक्ट है इसका रेटिंग करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको 800 एम्पियर 1000 3000 एम्पियर तक जाना है आपको, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करंट जैसे बढ़ेगा फ्रेंड्स इसका ब्रेकिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, मेकिंग और ब्रेकिंग करना, क्योंकि आपको जो रेटेड करंट बढ़ेगा तो इसका मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी उसकी रेटेड करंट से मल्टीपल होते हैं 6 times 2.5 टाइम्स ऐसा। सो इसका अगर आप 3000 एम्पियर या 2000 एम्पियर का आप अगर कॉन्टैक्टर ले देगा तो इसका 6 times ले देगा तो वो भी आपको 10 किलो एम्पियर के आसपास आ जाएगा, उसको नॉर्मली ब्रेक करना एयर में बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। उसमें क्या है आपको मतलब तुरंत आपको ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कोई आयनाइजेशन मटेरियल ही नहीं है, इसीलिए आपको वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जहाँ आपको हायर करंट रेटिंग है, ठीक है। और वैक्यूम कॉन्टैक्टर का वजह से इसका कॉन्टैक्ट में जो हमको ये भी हमको आर्क नहीं बनते, इसकी वजह से इसका वैक्यूम कॉन्टैक्टर का इलेक्ट्रिकल लाइफ भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए वैक्यूम कॉन्टैक्टर में आपको इलेक्ट्रिकल लाइफ भी ऑलमोस्ट मैकेनिकल लाइफ तक आ जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, इसीलिए वैक्यूम कॉन्टैक्टर भी जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन से और इसका करंट रेटिंग ज़्यादा है वहाँ हमको वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पोल्स के हिसाब से ये 3-pole कॉन्टैक्टर है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स 3-pole कॉन्टैक्टर है, इवन हमको डीसी कॉन्टैक्टर में भी यूज़ करने हैं 3-pole ही यूज़ करते हैं। डीसी कॉन्टैक्टर में हमको 2 pole को सीरीज में बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डीसी करंट को ब्रेक करना एसी करंट से भी ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है इसके इंडक्टेंस की वजह से, इसीलिए 2 कॉन्टैक्ट को सीरीज में बनाते हैं डीसी को ब्रेक करना आसान करने के लिए। तो मोस्टली जितना भी हमारा लोड्स रहते हैं स्विचिंग लोड्स वो सारे 3-pole कॉन्टैक्टर से रहते हैं फ्रेंड, और बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन कैटेगरी इसको डिसाइड करते हैं। 4-pole कॉन्टैक्टर से फ्रेंड जहां हमारा जो बस कपलर जैसे बस कपलर है टाई ब्रेकर है या वो टाई ब्रेकर मतलब टाई कॉन्टैक्टर है उस जगह हमको एसी कॉन्टैक्ट मतलब 4-pole कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमको न्यूट्रल को भी ब्रेक करने हैं सो दैट हमारा जो हमारा सर्कुलेशन करंट्स कम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसको हम सिंपल AC1 रेसिस्टिव लोड जैसे लेते हैं फ्रेंड्स, इसका मेकिंग और ब्रेकिंग करंट भी हम लोग मतलब सेम ही रखते हैं, रेटेड करंट ही रखते हैं, क्योंकि हमारा ये नॉर्मली हम लोग नॉर्मल कंडीशन में इसको मेक या ब्रेक करना है फ्रेंड्स बस कपर को, कोई मतलब इसकी जो स्विचिंग का कंडीशन में तो हमको नहीं करना है, यहाँ तो हमको डायरेक्टली लोड को स्विच कर रहे हैं इसीलिए हमको यूटिलाइजेशन कैटेगरी का बेसिस में करना है, लेकिन हमको 4-pole कॉन्टैक्टर आप देखेगा तो मोस्टली आपको यूटिलाइजेशन कैटेगरी AC1 ही मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि हमको बस कपलर जहाँ है तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही कराते हैं हम लोग, इसीलिए रेटेड करंट ही रहते हैं इसका मेक और ब्रेकिंग करंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 1-pole कॉन्टैक्टर्स है, ये बेसिकली हमारा 1-phase मोटर्स में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जैसे घर का एप्लीकेशंस में यार हमारा ऑफिस में जो हमारा 1-phase मोटर से जहाँ यूज़ करते हैं हमने बहुत कम रेटिंग का मोटर से उसमें हम लोग 1-pole मोटर्स यूज़ करते हैं 1-phase 1-pole मोटर्स।
नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, अगर इन केस एसी कंट्रोल वोल्टेज है फ्रेंड्स, जहां हमारा एसी कंट्रोल वोल्टेज यूज कर सकते हैं, एसी कंट्रोल कॉइल का, वहां हमको इसका कंट्रोल केबल का डिस्टेंस से हमारा लिमिटेशन है फ्रेंड्स, ये एक डिस्टेंस के बाद हम नहीं करा सकते इसको। अगर दो कॉन्फिगरेशन है फ्रेंड्स हमारा, अगर हमारा इनकेस हमारा पैनल दूर है, मतलब पैनल हमारा दूर है और इसका जो कॉन्टैक्ट है सप्लाई साइड से, वहीं पर ही सप्लाई है, ठीक है, तब हमको क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसको ब्रेक करने से ये कॉन्टैक्टर ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ब्रेक हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो केबल में जो केबल की वजह से, जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, इसका डिस्टेंस की वजह से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ते हैं, हमको आपको पता ही है। तो हमको इस कैपेसिटेंस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई तो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले होगा, जो हमारा कैपेसिटर में जो हमारा चार्जिंग है वोल्टेज है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होगा फ्रेंड्स। यहाँ ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारा ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप होगा फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा नॉर्मली इस एप्लीकेशन आता ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली हमारा हमेशा आते है ऐसे एप्लीकेशन आते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारा फ्रेंड्स कोई मोटर को स्टार्ट करना है, इसका एलसीए स्टार्ट है कहाँ होगा फ्रेंड्स, फील्ड में होगा, वो उसको फील्ड में होगा, हमारा जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर है हमारा सबस्टेशन में होगा, ठीक है, ये हमारा सबस्टेशन पे होगा, हमने जो भी लेकर जा रहा था ये हमारा कंट्रोल केबल है, उतना दूर लेकर जा रहा था, राइट। तो हमारा जो कंट्रोल केबल का लेंथ अगर ये बढ़ गया है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कैपेसिटेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सच दैट इसका जो इसका होल्डिंग करंट है, हमारा कैपेसिटर करंट भी इतना ही है, तो हमको क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इसको मेक एक बार ब्रेक मेक कर दिया तब हमारा इंडस करंट तो चला गया है, एक बार मेक हो गया कॉन्टैक्टर पिक हो गया, इसके बाद इवन आप इसको ओपन करने से भी हमारा कॉन्टैक्टर ड्रॉप नहीं होगा, हमारा मोटर बंद नहीं होता है फ्रेंड्स। ये बहुत बार देखा होगा आपने, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस का के ये यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सबस्टेशन से और मोटर बहुत दूर है तो, और एसी कंट्रोल सप्लाई आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखा होगा बहुत बार आप मोटर को बंद करने से भी, बहुत बार बंद करने से भी आपको मोटर बंद होता ही नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स इसको आपको पता ही है मोटर इनिशियली ज़्यादा करंट लेगा स्टार्टिंग में इंडस करंट, लेकिन इसका अगर मोटर का वी ए रेटिंग बहुत कम है और इसका होल्डिंग करंट बहुत कम है, तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस के बाद एक अगर आप इसका कंट्रोल केबल का डिस्टेंस बढ़ाएगा तो इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस ऐसा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो इसका कैपेसिटिव करंट बढ़ेगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटिव करंट बढ़ेगा। अगर आप ऐसा ही एक डिस्टेंस पे आ जाओगे तो इसमें इसका कैपेसिटेंस इतना ज़्यादा है कि इसका कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन इसका होल्डिंग करंट है। अगर उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, आप इसका बंद करो यार, इसका बंद करने से भी हमारा कैपेसिटर का चार्जिंग करंट की वजह से और कैपेसिटर करंट की वजह से ये कॉन्टैक्टर होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आते हैं और ये कॉन्टैक्टर कभी ड्रॉप ही नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर लेंथ में हमारा जो कैपेसिटेंस है, जहाँ हमारा कैपेसिटिव करंट एक पर्टिकुलर लेंथ पे, जहाँ हमारा कैपेसिटेंस इतना आ गया उसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटिव करंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारा होल्डिंग करंट आ गया, तब हमारा ये लिमिट आते हैं फ्रेंड। इसकी वजह से हमारा जो हमारा एसी कंट्रोल सप्लाई में, जहाँ हमारा एसी कंट्रोल कॉइल्स यूज़ करते हैं, वहाँ हमको डिस्टेंस का लिमिटेशन आ गया फ्रेंड्स। मतलब एक डिस्टेंस ही, एक हमारा डिस्टेंस का लिमिटेशन आ गया है, इतना मीटर का बाद आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते एसी कंट्रोल सप्लाई को, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड्स आप तीन चीज़ में इसका एक्सेलरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट है, मतलब कम डिस्टेंस में भी हो जाएगा। ये हमारा अगर कंट्रोल का इसका अगर कंट्रोल कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो फॉर एग्जांपल 110 वोल्ट का जगह 220 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस भी अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस डिफॉल्ट बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो ये हमको कम डिस्टेंस में ही इसका कैपेसिटिव करंट इतना बनेगा, हमारा होल्डिंग करंट मीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा हम एसी इसका कंट्रोल वोल्टेज ज़्यादा है तो भी हमको ये जल्दी मीट हो जाएगा। और अगर हमारा कंट्रोल कॉइल का होल्डिंग भी है, जो हमारा होल्डिंग होल्ड ऑन का भी है कम है, बहुत ही कम है, तब हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसको बहुत ही कम होल्डिंग करंट चाहिए सो दैट इसको ड्रॉप नहीं करने के लिए। अगर है तो हमको कम डिस्टेंस में भी इसका कैपेसिटेंस का करंट इतना बनेगा, हमारा होल्डिंग करंट मीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसीलिए इसका अगर कम वेरी लेस होल्डिंग भी है कॉन्टैक्टर कॉइल से, तभी हमको ये थोड़ा पहले कम डिस्टेंस में ही ये हमको बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन केस हमारा कॉन्टैक्टर का ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी अगर बहुत कम है,
ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी अगर बहुत कम में है तो तब भी हमको क्या होगा, मतलब अगर इन केस इसका ड्रॉप ऑफ वोल्टेज सिर्फ 10% या 15% डिफरेंस, तब भी हमको क्या होता है ये कैपेसिटेंस को, जैसे अगर ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएगा तो अगर मोस्ट ऑफ द वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, अगर इसमें 10% भी वोल्टेज आ गए तो फिर भी ये ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसका ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 10 या 15% बहुत कम है तो तब भी ये कम डिस्टेंस में ही ये हमेशा ऑन करते रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको अवॉइड करना है फ्रेंड्स आपको, सिंपली इसको डीसी, आपको एसी में यू मत जाओ, मतलब आप डीसी डीसी सप्लाई यूज़ करने से ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डीसी में आपको कंट्रोल केबल का लेंथ का लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस इफेक्ट ही नहीं बनेगा डीसी में, तो आपको कितना भी लेंथ का कंट्रोल केबल यूज़ कर सकते हैं, आपको रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आप जहाँ आपको सिंगल फेज छोटी छोटी मोटर्स है फ्रेंड्स, अप टू लेस देन 55 किलो वाट है, इसको आपको मोस्टली आपको एसी कंट्रोल सप्लाई रहते हैं, उस केस में आपको इस डिस्टेंस को तो हमको जो ऑप्टिमल डिस्टेंस है उससे कम ही रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे कम ही रखना है, और आपको 230 वोल्ट मत जाइए, आप कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ करके आप 110 वोल्ट या इससे कम वोल्टेज पे ही इसको ऑपरेट कर दीजिए फ्रेंड्स। सो दैट अगर कम वोल्टेज है तो इसका कैपेसिटेंस भी कम होगा, हमको ये हमको ज़्यादा डिस्टेंस तक हमको ये ऑप्टिमल डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, सो दैट हमको ज़्यादा रेंज तक हमको इसको चला सकते हैं। ठीक है, और हमने कंट्रोल केबल का वोल्टेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और लोअर कंट्रोल वोल्टेज रख सकते हैं, और डीसी कंट्रोल वोल्टेज से भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा